हिंदुस्तान के फ्यूचर आईएएस आईपीएस और आईआरएस ऑफिसर्स का स्वागत है स्लीपी क्लासेस पे। वेल, सम ऑफ यू वांटेड मी टू एक्सप्लेन सम क्वेश्चंस विद द एग्जांपल क्वेश्चंस। अब आरसी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको पता आते हैं, कभी अजम्पशन हुआ तो कभी इम्प्लीकेशन, कभी इन्फेरेंस का क्वेश्चन। तो चलिए आज 2023 के पीवाईक्यू के साथ समझते हैं कि इम्प्लीकेशन का क्वेश्चन क्या होता है और उसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड व्हाइल सॉल्विंग सच क्वेश्चन। सो इस पैसेज को पढ़िए जरा, व्हाट वाज रिटन इन इट। मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन वुमेन एंड ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ इंडियन मैन। हाफ से ज्यादा वुमेन और क्वार्टर के आसपास मैन जो है ऑफ वर्किंग एज सफर फ्रॉम अनीमिया। अकॉर्डिंग टू स्टडीज दे आर एनीवेयर फ्रॉम 5 to 15% लेस प्रोडक्टिव देन दे कुड बी। तो इसका मेजर रीजन क्या है? सबसे पहले तो ऑथर ने इंट्रोडक्शन दी, ठीक है, कि जितनी भी वीमेन है और जो मैन है उनका एक नंबर बताया, उनका एक परसेंटेज अमाउंट बताया कितनी उनकी प्रोडक्टिविटी और हो सकती थी जो कि अभी कम चल रही है। अब क्यों? एज अ रिजल्ट देयर ऑफ इंडिया ऑल्सो हैज द लार्जेस्ट ट्यूबरक्लोसिस बर्डन इन इन द वर्ल्ड, कोस्टिंग 170 मिलियन वर्क डेज टू द कंट्री एनुअली। तो इतने बड़े लॉसेस जो हो रहे हैं इस चीज की प्रॉब्लम की वजह से, प्रॉब्लम डिराइव कहां से होती है और इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, वेल लेट अस सी। बट वॉट इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज लॉस्ट प्रोडक्टिविटी, क्या चीज इंपॉर्टेंट है लॉस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी के साथ साथ, नाउ इज लॉस्ट पोटेंशियल इन द फ्यूचर। पोटेंशियल की भी कमी आ रही है फ्यूचर के अंदर। इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्लियर दैट ऑन मैनी मेजर्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल होती है, जो आपकी एनालिटिकल स्किल होती है, जो आप यूज भी करते हैं आरसी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मैलरिस्ट इंडियन चिल्ड्रन परफॉर्म 2 or 3 times worse than their adequately nourished peers. तो यहाँ बच्चों की बात भी हुई, इंडियन मैन की बात हुई, वुमेन की बात हुई, कुछ प्रॉब्लम्स जो प्रोडक्टिविटी के अंदर इश्यूज आ रहे हैं, उनके कॉग्निटिव एबिलिटी के अंदर इश्यूज आ रहे हैं, और यहाँ पे कुछ कारण मैलनरिशमेंट को बताया गया। नाउ फॉर एन इकॉनमी दैट विल बी मोर डिपेंडेंट ऑन हाईली स्किल्ड वर्कर्स, अब एक ऐसी इकॉनमी जो कि डिपेंडेंट होगी हाईली स्किल्ड वर्कर्स के ऊपर, कि इन फ्यूचर यही लोग हाईली स्किल्ड वर्कर्स बनेंगे और एक ऐसी इकॉनमी जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट होंगे, हमारा पूरा भारत डिपेंडेंट होगा, दिस पोजेस अ सिग्निफिकेंट चैलेंज। डेफिनेटली चैलेंज तो क्रिएट होगा ना, जिस पे आपको डिपेंडेंट रहना है वो तो इन प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, राइट। एंड इट इज वन दैट रियली शुड बी एड्रेस्ड गिवन इंडियाज डेमोग्राफिक आउटलुक, और इस चीज को डेफिनेटली एड्रेस करना चाहिए, इट शुड बी टेकन इंटू कंसिडरेशन। सो क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स व्हाट इज इंप्लाइड बाय द पैसेज। अब पैसेज को पढ़ने के बाद आपको एक एसेंस समझ आता है, आपको सेंटिमेंट समझ आता है ऑथर का, या फिर उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ आता है, व्हाई ही और शी हैज रिटन दिस पार्ट ऑफ द पैसेज, ये कॉन्टेक्स्ट को लिखने के पीछे का रीजन क्या था। अब रीजन क्या था वो बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, कॉग्निटिव एबिलिटी कम हो रही है, पोटेंशियल कम हो रही है, और इन लोगों के ऊपर ही हमें इन फ्यूचर डिपेंडेंट रहना है, जिसमें मैलनरिशमेंट को ऐड किया गया कि बेसिकली न्यूट्रिशनल नीड्स जो उनकी हैं वो पूरी नहीं हो रही, ठीक है, मींस वो इतने हेल्दी नहीं है जिनके ऊपर हमारी इकोनॉमी फ्यूचर में डिपेंड करेगी। तो उस रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ ये कहता है कि व्हाट इज इम्प्लाइड बाय द पैसेज, तो दोस्तों इम्प्लीकेशन का या व्हाट इज इम्प्लाइड या इम्प्लाई करने का मतलब होता है सजेस्ट करना। ऑथर समहाउ वॉन्ट्स टू इंडिकेट समथिंग इनडायरेक्टली और इम्प्लिसिटली, वो आपको इनडायरेक्टली कहना चाहता है कि क्या आप सजेशंस मैं आपको देना चाहता हूँ, किन मेजर्स को आप अपनाएंगे तो ये चलती प्रॉब्लम जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसको आप दूर कर पाए। वेल, सबसे पहला ऑप्शन था दोस्तों, एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथन इन रूरल एरियाज। पहली बात तो यहाँ सिर्फ रूरल एरियाज की बात की गई, दूसरी बात बात हुई एजुकेशन की, ठीक है, तो जो हाईली स्किल्ड लेबर है जिस पर मैं डिपेंडेंट रहना, लेकिन उनमें से जो मैन और वीमेन है, ठीक है, उनकी प्रोडक्टिविटी का कम हो जाना, मैलनरिशमेंट की बात की, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी का कम हो जाना, उसका एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ए इलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट इज लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज द नीड ऑफ द आवर। मैलनरिशमेंट कहां गई, स्किल्ड लेबर पे हम फोकस, हम स्किल्ड लेबर पे डिपेंडेंट रहेंगे, बट स्किल्ड लेबर आज प्रोडक्टिव नहीं है, उसका कारण मैलनरिशमेंट है, उनकी हेल्थ पे फोकस करने की जरूरत है, तो इसमें हेल्थ की बात नहीं हुई। ऑप्शन सी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल्ड वर्कर्स नीड्स स्पेशल अटेंशन, कि जो सिर्फ स्किल्ड वर्कर्स हैं
बट वहां बच्चों की बात कहां गई, जो बच्चों की बात लिखी गई थी, जो बच्चे मैलरिस्ट हैं, ठीक है, या जिनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है एज कंपेयर टू एडिक्वेटली नरिश चिल्ड्रन, तो यही तो कल को हमारा हिंदुस्तान का भविष्य होंगे, जो स्किल्ड होंगे और जिनके ऊपर हमारी इकोनॉमी डिपेंड करेगी। तो इनको तो आपने एक्सक्लूड ही कर दिया, राइट? पैसेज के अंदर भी इनकी मेंशन की गई थी ना, तो ये ऑप्शन भी दोस्तों इनकरेक्ट हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एज एनविसेज्ड बाय अस, जो हमने प्लान की है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ फ्यूचर के अंदर, अटेंशन शुड बी पेड टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ पीपल, अटेंशन दी जानी चाहिए लोगों की हेल्थ और न्यूट्रिशन पे, इसमें सब लोग आ जाते हैं, मैन वीमेन चिल्ड्रन एवरीबडी। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नाउ दिस वॉज इंप्लाइड इन द पैसेज, दिस वॉज सजेस्टेड इन द पैसेज बाय द ऑथर। सो आई होप आप समझ पाए कि जब इम्प्लीकेशन का क्वेश्चन आता है, बेसिकली उसको सजेशन मान के चलिए आप, इम्प्लाई कर रहे हैं कुछ ऑथर या पैसेज आपको, वो इनडायरेक्टली आपका ध्यान जो है वो डायरेक्ट करना चाहता है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ, जिससे कि हम लोग ओवरकम कर सकें किसी भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को। आई होप यू अंडरस्टूड द पैसेज। और हाँ, आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना जरूर स्टार्ट कीजिए, पिछली बार आपने कम बताया, बताइए जरूर कि कितने लोगों को पता था कि ये इसका करेक्ट आंसर होगा और कितने लोग इसको करेक्टली सॉल्व कर पाए। थैंक यू वेरी मच।